बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं चुनाव लड़ने की चाह में लोग क्या क्या नहीं कर दे रहे हैं। सालों से मुखिया बनने का ख्वाब देख रहे युवक को किसी तकनीकी कारण की वजह से जाति सर्टिफिकेट नहीं मिला और अपने सपनों को टूटता देख युवक ने एक तरकीब सोची और अजीबोगरीब कदम उठा लिया। प्रधान बनने के लिए युवक ने पास ही के गांव की एक लड़की के साथ बिना लग्न और बैंड बाजे के मंदिर में शादी कर ली। लड़की की विदाई करा, अपने घर ले गया। इस लड़की का पहले से जाति प्रमाण पत्र है। अक्सर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि विरोधी खेमा अगर मजबूत हो तो अपने साथ पत्नी या निकट के किसी व्यक्ति का नामांकन करा देता है ताकि कुछ वोट कट जाए। अब यही दृश्य पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलने लगा है। मंशा किसी अपने को चुनाव लड़ाने की थी, लेकिन कागजात में कुछ त्रुटि रहने के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो सोचा कि समाज की युवती से शादी कर उसे ही पंचायत चुनाव लड़वाया जाए। इसके लिए शादी का लग्न भी देखना मुनासिब नहीं समझा। भगवान भास्कर को साक्षी मानकर विधि विधान से सात फेरे लिए। मामला गया जिले के खिजरसराय प्रखंड की होरमा पंचायत के बिंदौल गांव का है। यहां के रहने वाले दांगी समाज के युवक आदित्य कुमार उर्फ राहुल इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन जमीन के खतियान में नाम के साथ दांगी नहीं था, इसलिए इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सका। तब इन्होंने प्रखंड के नौडीहा निवासी दांगी समाज की युवती सरिता कुमारी से शादी रचाने की मंशा बनाई और केनी स्थित सूर्य मंदिर पहुंच गए और सरिता से शादी रचा ली। आदित्य और सरिता की यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब पत्नी सरिता को पंचायत चुनाव में मुखिया के लिए चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। आज कहाँ हैं आप, क्या करने के लिए? नॉमिनेशन कराने से बोलो। मुखिया पद के लिए कौन सा काम? आज से एक दिन दो दिन पहले तो पता नहीं था कि आप नामांकन करेंगे, आज अचानक कैसे हुआ? 3 साल पहले से इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं सर, जिसमें ये नहीं हम लोग को पता था। नीतीश सरकार ने हम लोग को रजिस्ट्री का भी वैल्यू दिया है, खतियान का वैल्यू दिया है, और जहाँ पे कागजी दस्तावेज जहाँ रखे भी थे सर, दिखाए भी थे। मगर राजनीतिक में क्या होता है पूरा हम लोग को शुरू शुरू थे नहीं पता था सर, रद्द करवा दिया गया मेरा जाति। इनसे किसने शादी, बस क्या था कब रद्द हुआ, फिर कैसे हनन खनन में साथ? रद्द होने के बाद सर ऑप्शन ए मेरा ये था और बी ऑप्शन था शादी सर, बहुत पहले से ये सोच चुके थे क्योंकि राजनीतिक उन लोग खेल रहे थे तो हम लोग का भी कुछ तो सोचेंगे सर। इनके पास सर्टिफिकेट था? इनके पास दांगी का सर्टिफिकेट है, आईडी प्रूफ है, सब सब है सर। बिना मुहूर्त का शादी? यस। क्या? यस, बिना मुहूर्त का शादी किए मंदिर में। पहले से जान पहचान थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था सर, दोनों पार्टी का फैमिली तो माजी से हुआ सर, कुछ भी हुआ। कौन सा पंचायत था? मेरा होरमा है सर, इनका नौडीहा पंचायत है सर। आपको बता दें कि अजय सिंह ने सिवान से जेडीयू सांसद कविता सिंह से 2011 में आनंद फानन में शादी की थी, जबकि उनकी सास उस वक्त विधायक थी। उनकी मौत के बाद बेटे अजय सिंह ने पितृपक्ष में कविता सिंह से शादी कर ली। पितृपक्ष काल को हिंदू मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना गया है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हुई थी, लेकिन यह शादी कविता सिंह के लिए शुभ साबित हुई। वे दो बार विधायक रहने के बाद 2019 में सांसद बनी। बहरहाल अब नामांकन कराना और चुनाव जिताना भी पति का फर्ज बन गया है। यह तो समय बताएगा कि इसमें कितनी सफलता मिलती है और ये जो बड़ा फैसला पंचायत चुनाव को लेकर लिया गया है ये कितना कारगर साबित होता है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।